पहले मोदी ने जिनपिंग को झूला झुलवाया, अब भरी सभा में लताड़ा। क्या दो दो हाथ करने को तैयार है भारत? पाकिस्तान पैसों के लिए मिलना चाहता था, चीन रिश्ते सुधारने के लिए मिलना चाहता था। मोदी ने समझा दिया, दोस्ती हो या फिर दुश्मनी, हम खुलकर निभाते हैं। अब भारत सिर्फ अपने रिश्तों और शर्तों पर ही बात करेगा। ये तस्वीर देखिए और फिर भारत चीन के रिश्तों का भविष्य सोचिए। मोदी और जिनपिंग को आसपास खड़े देखकर नहीं लगता कि कभी दोनों में इतनी दोस्ती थी कि एक झूला झुलाता था और दूसरा झूलता था, दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुलाता था। लेकिन अब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। क्या इसका मतलब ये है कि भारत और चीन अब दो दो हाथ करने को तैयार बैठे हैं? क्योंकि तस्वीरों की तल्खियाँ इसी और तस्दीक करती हैं। ये हम आपको समझाएंगे कि तस्वीरें कहती क्या हैं। उससे पहले 8 साल पहले की कहानी सुनाते हैं, जब मोदी प्रधानमंत्री बने। साल 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान 4 महीने बाद ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गुजरात दौरे पर बुला लिया। वहां जिनपिंग को चाय भी पिलाई, झूला भी झुलाया, फिर दोनों ने चरखा भी चलाया। तब लगा कि भारत और चीन 1962 वाली दुश्मनी भूलकर दोस्ती की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसके बाद जिनपिंग ने पीएम मोदी को चीन बुला लिया तो वहां मोदी के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखवाया गया, जिसमें बॉलीवुड का एक फेमस गाना तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा सुनाई दिया, जिससे रिश्ते सुधरने की उम्मीद जगी। उसके बाद तो साल 2014 से 19 तक के बीच में पीएम मोदी 5 बार चीन के दौरे पर गए। उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 4 बार चीन का दौरा किया था। 1962 के युद्ध के बाद 1948 में भी पहली बार राजीव गांधी चीन गए थे। उसके बाद नरसिम्हा राव और फिर मनमोहन सिंह अपने अपने कार्यकाल में 3 बार चीन गए, लेकिन तब भी कुछ खास नहीं बदला। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत चीन के रिश्ते तल्ख होते हुए दिखाई दिए, और इस बात की गवाही खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार दी। लेकिन भारत का कद जिस हिसाब से दुनिया भर में बढ़ रहा है, उससे चीन और पाकिस्तान जरूर परेशान है। इसलिए दोनों देश भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि चीन के साथ भारत का रिश्ता सही नहीं हो ताकि उसे फायदा मिलता रहे, जबकि चीन की जनता चाहती है दोनों के रिश्ते सामान्य रहें। चीन में पीएम मोदी की विदेश नीति और एस जयशंकर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ये यूरोपियन देशों को रूस से तेल खरीदने पर सुना रहे हैं। यही वीडियो कुछ दिनों पहले इमरान खान पाकिस्तान में भी सुना रहे थे। इसके अलावा कोरोना महामारी के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था जिस कदर बढ़ रही है, उससे भी चीन के लोग मोदी के मुरीद हो गए। इसलिए SCO मीटिंग में जब पीएम मोदी पहुंचे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के कयास लगाए जा रहे थे। पीएम मोदी शुरू से ही जिनपिंग और शहबाज शरीफ से मुलाकात के मूड में नहीं थे, इसलिए जिनपिंग ने अपनी ओर से पहल शुरू की। उन्होंने भी भरी सभा में कहा कि अगले साल भारत में होने वाले SCO मीटिंग का हम भरपूर समर्थन करते हैं, जिसका ये मतलब था कि मोदी जिनपिंग से मुलाकात करें तो इसके बहाने दोनों देशों के विवाद की बात हो। लेकिन मोदी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और वहां के विदेश मंत्री तो ये तक कहने लगे कि हम आतंकवाद की राह छोड़ देंगे, बस हमारी मदद कर दीजिए, दुनिया हमें अकेला छोड़ेगी तो हम बाढ़ से लेकर कंगाली तक से कैसे निपटेंगे। लेकिन भारत ने साफ साफ लहजे में समझा दिया कि ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर रिश्ते सुधारने हैं तो बातचीत के टेबल पर आना होगा। पहले चीन अपने साम्राज्यवादी नीति को बदले और पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना बंद कर दे। कहा जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका को अलकायदा सरगना का पता बताया है, वैसे ही हो सकता है कि भारत से मदद की उम्मीद लेकर एक दिन दाऊद का पता बता दे, क्योंकि पाकिस्तान पर ऐसे आरोप पहले से ही लगते रहे हैं कि ओसामा को भी उसी ने ही मरवाया था। कहते हैं ना, कूटनीति में बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन भारत अब कहता है कि बातचीत होगी तो अपनी शर्तों पर होगी, वरना हमारे रास्ते अलग अलग, हम आपके हैं कौन। इसलिए मोदी हर मीटिंग में भारत की ताकत दुनिया को बताते हैं
और समझाते हैं कि अब हिंदुस्तान से पंगा मत लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।